बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अली कामरान फूडी एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। यहाँ पर माशाल्लाह जो पराठा है इनका बड़ा लजीज पराठा है। इनकी रेसिपी जानने की कोशिश करते हैं, आपसे शेयर करते हैं इनकी रेसिपी और इनका पूरा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। कितने सफाई और सुथराई का खास ख्याल यहाँ पर रखा जाता है और लजीज पराठा आपको इंशाल्लाह खिलाएंगे, हम भी खाएंगे आपके साथ मिलकर, इंजॉय करेंगे। हैव अ नाइस डे, मेरे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? तो सबसे आप ये बताइएगा कि आपकी जो रेसिपी है वो क्या है और जरा साथ साथ नाज़रीन को बताइएगा, व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी देखिए वो साफ कर दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, सफाई का बड़ा ख्याल रखा आपने, जबरदस्त। और ये इधर से हम पानी डालते हैं जी, ये टूटी लगी हुई है। ठीक है साहब, फिल्टर वाला है। ठीक है, हम फिल्टर बनाते हैं, ये आटा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये फिल्टर बनाकर हम इसको इधर डालेंगे। एक बेड़ा बना के दिखाइएगा व्यूअर्स के लिए। ये चिकन पराठा है जी। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन पराठा इस वक्त तैयार हो रहा है, तो सबूर साहब उसकी रेसिपी आपको दिखा रहे हैं। ये सादा है, ये इस वक्त सादे की तरफ हम जा रहे हैं। ये ऑयल है। ठीक है जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल जी। ये सादा और दूसरा वाला जो है, ये दो मिक्स करके आलू वाला और कीमे वाला जो भी है। ठीक है, और वो जो है ये स्पेशली जो ऑयली है। ठीक है, ठीक है। और इधर हम आइए, पेड़े बना के रखने के लिए छोटे पड़े हुए जी। ठीक है जी, ये भी छोटे पड़े, हाँ अच्छा कवर किए हुए जरा। ठीक है, ये सादे हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह वो फ्लो कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा ना, आपको रेडी रहना पड़ता है, साथ साथ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, थैंक यू सफर भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अच्छा वाहिदुल्ला साहब, आप बताइएगा कि जो लस्सी आप स्पेशली बड़ी मज़ेदार बनाते हैं, कस्टमर तो दिलो जान से आपके पास आते हैं, बड़े बड़ी दूर से लोग आते हैं, और इसमें क्या ऐसी चीज़ डालते हैं कि लोग आते ही यहाँ पर हैं? जी हम तीन डब्बे ये दही के डाल देते हैं, उसके बाद एक किलो चीनी डालते हैं उसमें। ठीक है, एक किलो चीनी। ठीक है, एक किलो दूध पड़ता है, एक किलो दूध डलता है। ठीक है, उसके बाद हम ये सारा मिक्स कर लेते हैं। जबरदस्त, यहाँ पर हम माशाल्लाह ये कीजिएगा कीजिएगा व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त लस्सी तैयार हो रही है, और ये लस्सी तैयार हो गई व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टमर को सर्व करने के लिए वाहिद इस वक्त जो है उसको ग्लासों के अंदर डाल रहे हैं। जी व्यूअर्स, लस्सी आपके लिए रेडी, आपका इंतज़ार कर रही है। व्यूअर्स जैसे आप देख रहे हैं ज़बरदस्त मज़ेदार पराठे तैयार हो रहे हैं आपके लिए, यकीनन आप यहाँ पर आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे, दोस्तों के साथ आएंगे, और मज़े मज़े के इस अच्छे मौसम में पराठे खाएंगे और इंजॉय करेंगे मौसम को। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस मदानपुर की चौक पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप जब आएंगे मेट्रो पे आएँ या अपनी गाड़ी पे बाइक पे आएँ, तो यहाँ पे जे रोड के लिए आप एंटर होंगे, तो लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक शॉप के साथ ही जो अफजल वालों की है, इसके बिल्कुल साथ आप टर्न लेते ही साथ लेफ्ट पे जो पहला प्लाजा आएगा उसके एंट्रेंस में दाखिल हो तो लेफ्ट साइड पर इनका रेस्टोरेंट है माशाल्लाह मज़ांग पराठा, बहुत ही पुराना, बड़ा फेमिलियर, बड़ा ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर आएँगे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये इसकी लोकेशन है व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोकेशन है, चौक पे आएंगे तो आप सिंपली यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है जिसका अंदाज़ा यकीनी तौर पर आपको हो गया है। अब हम चलते हैं माशाल्लाह मज़ांग पराठा की तरफ।
यहाँ पे इनकी लेडीज़ के लिए डाइनिंग है वो सेपरेट है, उसके लिए फैमिली का अरेंजमेंट यहाँ पर सेपरेटली किया गया है। और ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आप जेंट्स हजरात के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बैठने की सिटिंग, बड़ी प्रॉपर सिटिंग यहाँ पे दी गई है। और ख़वातीन के लिए खसूसी तौर पर यहाँ पर इनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। फैमिली हॉल है, डाइनिंग हॉल है, बड़ा ज़बरदस्त हॉल है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ के लिए सेपरेट बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट किया गया है, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। ये अपनी बहन ने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सदाम हुसैन। सदाम भाई ये बताइएगा क्या बना रहे हैं और क्या इसकी रेसिपी है? ये पराठे बना रहे हैं, आलू वाला है, कीमे वाला है, चिकन वाला है, दाल वाला है, गोभी वाला है, चीनी वाला है और चिकन चीज़ वाला है जी। और मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा जी इंशाल्लाह। अच्छा ये कौन सा वाला बना रहे हैं? ये आलू वाला बना रहा हूं। आलू वाला जी। बिस्मिल्लाह। जी वेवर्स जैसे कि देख रहे हैं आलू वाला पराठा इस वक्त शुरू कर दिया गया। पहली डिश जो है आलू वाला पराठे की है, जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक जो है पहला पराठा उन्होंने स्टार्ट किया। आगे चल के देखते हैं मज़ीद क्या क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं। ये आ गया कीमा की जी। ठीक है जी, ये कीमे वाला है। ये कीमे वाला है जी। बिस्मिल्लाह। ये वजन आ गया चिकन। ये चिकन वाला जी। बिस्मिल्लाह। डिफरेंट कैटेगरी के इस वक्त जो पराठे जो हॉट प्लेट है तवा है उसके ऊपर डाल दिए गए। जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं हर चीज़ की अपनी टेस्ट क्वालिटी होती है। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इस्तेमाल की है। इनकी रेसिपी ना के लाहौर में पूरे पाकिस्तान में जानी जाती है। जो भी लाहौरिये या आउट ऑफ स्टेशन से पाकिस्तानी लाहौर तशरीफ लाते हैं मजंग चुंगी पराठे ना खाएं तो उनकी वापसी नहीं होती। तो ये चट करने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्वालिटी क्या टेस्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त है जी। अब चलते हैं, ये अगला पराठा दाल का है जी। बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं ये दाल का पराठा है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार, बड़ा लजीज है। जी जी विवेक जैसे देख रहे हैं ये गोभी पराठा, ये गोभी वाला आ गया। जी वीवर्स जैसे कि देख रहे हैं ये गोभी वाला पराठा है, बड़ा ही मज़ेदार होता है। अब तो बारिश का मौसम लाहौर में बन रहा है इस वक्त, आप देखें तो वेदर इतना चेंज हो गया, इतना खूबसूरत हो गया और बारिश का इम्कान बढ़ता जा रहा है। आप कुछ ही देर में यहाँ पर देखेंगे जमे गफीर होगा, लोगों का रश होगा, यहाँ पर आपके बैठने की जो है बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर हम इसका नंबर भी देंगे, इनका इसी नंबर पर आप कॉल करके अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। जितने लोगों का हो आपका इंशाल्लाह अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा।
ये है करमा गर्म पराठा। व्यूअर्स जैसे कि आप देखते हैं, आप यकीन कीजिएगा मेरे अपने मुंह में पानी आ गया। क्या करूँ, आपके लिए पुडिंग बनाना ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप यकीन कीजिएगा। जैसे आप देख कर कह रहे हैं कि अभी हम पहुँचते हैं, ऐसे यहाँ पर देखने वालों की भी हालत है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्वालिटी फूड है, क्वालिटी हेल्दी हैवी फूड है, बहुत ही मज़ेदार। ये भी बस पैकिंग है, जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं उनके साथ साथ पैक करके उनको डिस्पैच किया जाता है। इंग्लिश मैन दिस टाइम ऑन पैकिंग, या यू शुड से तीन आलू इकट्ठा था भाई जान, ओके दो आलू थे भाई। बताते हैं कि कौन कौन से पैक करें। वाइन आर दिस टाइम आई एम पैकिंग पोटैटो पराठा, ओके, बट वी हैव चिकन बीफ पोटैटो कॉलीफ्लावर पल्स चिकन चीज बीफ चीज, ओके, योगर्ट शेक बॉटल टी। व्हाट इज द प्राइसेस ऑल दीस? चिकन 150, बीफ सेम 150, पोटैटो 60, कॉलीफ्लावर पल्स 80, प्लेन 40, ओके, चिकन चीज 250, ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम, ओके, अल्लाह अल्लाह। अच्छा सेठ साहब, ये व्यूअर्स जैसे कि आप लोकेशन देख रहे हैं, साथ में मेन फिरोजपुर रोड पे कुछ सामने है, ये जेल रोड है, इसके अपोजिट फिरोजपुर रोड, ये मजंग चुकी स्टॉप जो है वहाँ से आप देखें बिल्कुल सामने खड़े होके माशाल्लाह जो पराठा है आपको नज़र आ जाएगा। बहुत ही आला ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, बड़ा मुंतरीद है। आप एक दफ़ा इंशाल्लाह खाएंगे, बार बार आएंगे, आपको टेस्ट लगेगा, लग जाएगा, ये यकीन लग जाएगा। स्टूडेंट जितने भी आते हैं वो यहाँ पर ही आते हैं, नाश्ते से रात तक ये समय यहाँ पे बंधा रहता है। टाइमिंग क्या है आपकी? 24 आवर्स यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, आप जब चाहें जिस वक्त चाहें आकर खा सकते हैं। इधर ये टाइम का इशू नहीं है कि फिक्स टाइमिंग नहीं है, 24 आवर में जब मर्जी आप टाइम निकालें, जब आपको टाइम मिले आप यहाँ पर आएँ और आके इंजॉय करें। आपका ब्रेकफास्ट भी है, आपका लंच भी है, और डिनर की तो क्या बात है। जी वीवर्स, जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह मजांग पराठा बहुत पुरानी दुकान है, काउंटर पर आएँ, पर्ची बनवाएं, अपने ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर आकर फूड आपको दस्तियाब है। इसमें ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डिनर भी है। जिस टाइम आप आएँ, आकर आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक खूबसूरत इन्वायरमेंट में फैमिली हॉल के साथ आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पर। आज के सेगमेंट में अली कामरा फूडी को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नए सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।